नमस्कार सीएसके न्यूज में आपका स्वागत है। तो दोस्तों आज के 7 नवंबर जो एक एक करके आपको बताएंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का फिर से बजा डंका, अप्रूवल रेटिंग में टॉप पर पहुंचे पीएम मोदी, बाइडेन और बोरिस जॉनसन को भी पछाड़ा पीछे। दूसरी बड़ी अपडेट, रक्षा तकनीकी में भारत की मदद जारी रखेगा फ्रांस। एनएसजी डोवाल ने हिंद प्रशांत क्षेत्र में सहयोग को लेकर अपने समकक्ष के साथ की है बड़ी बैठक। तीसरी बड़ी अपडेट निकल के आ रही है दोस्तों, बीएसएफ ने बुलाई बड़ी बैठक, सीमाओं की चुनौतियों को विश्लेषण को लेकर बैठक हुई है। चौथी बड़ी अपडेट, आतंकवाद पर कसेगी नकेल, कश्मीर घाटी के बाहर पंजाब में भी ऑपरेशन को अंजाम देगा नया टेरर मॉनिटरिंग ग्रुप। जी हां, तो एक एक करके बताएंगे। जहां पे भारत ने श्रीलंका को तत्काल 100 टन नैनो लिक्विड यूरिया पहुंचा दिया है, ये श्रीलंका को चीन को करारा झटका लगा है। अगली अपडेट में आर्यन खान केस को लेकर भी कुछ एक बड़ी खबर आई है, म्यांमार में रहना हुआ मुश्किल, 37,000 लोगों ने छोड़ा घर। तो एक एक करके आपको बताएंगे। जहाँ पे पाकिस्तान में अश्लीलता, इमरान खान स्कूल में लगवा रहा है कि रिकॉर्डिंग स्पाई कैमरा। तो एक एक करके आपको विस्तार से बताएंगे। जहाँ परमाणु समझौते को लेकर ईरान और अमेरिका भिड़ते नजर आ रहे हैं, तो वहीं मस्जिद को लेकर बड़ी खबर निकल के आई फिर से, जहाँ खुले में नमाज हो रहा था पूरी जगह खुले में नमाज होगी बंद, प्रशासन ने चेताया। तो दोस्तों एक एक करके खबर विस्तार से बताएंगे, लेकिन उससे पहले पल के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों दरअसल पहली बड़ी अपडेट, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बजा डंका, अप्रूवल रेटिंग में टॉप पे पहुंचे पीएम मोदी, बाइडेन और बोरिस जॉनसन को भी छोड़ा पीछे। दोस्तों आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर से दुनिया भर में अपना लोहा मनवाया है। पीएम मोदी की लोकप्रियता केवल भारत ही नहीं पूरी दुनिया में है। अप्रूवल रेटिंग में प्रधानमंत्री मोदी की बादशाहत बरकरार है और उस शीर्ष पर बने हुए हैं। इस मामले में उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन को भी पीछे छोड़ दिया है। पीएम मोदी की अप्रूवल रेटिंग 70% है, जो कि 13 वैश्विक नेताओं में से सबसे अधिक है। पीएम मोदी ने विश्व के जिन नेताओं को पीछे छोड़ा है, उनमें बाइडेन जॉनसन के अलावा जर्मनी की चांस सर एंजेला मार्कल, कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो समेत कई दिग्गज नेता शामिल हैं। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने सोशल मीडिया साइट्स कू ऐप पर इसकी जानकारी दी हुई है। तो प्रधानमंत्री मोदी एक बार फिर से बाइडेन और जॉनसन को पीछे छोड़ दिया। अगली अपडेट, रक्षा तकनीकी में भारत की मदद जारी रखेगा फ्रांस। एनएसजी डोवाल ने प्रशांत क्षेत्र में सहयोग को लेकर अपने समकक्ष के साथ की बैठक। दोस्तों भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार एनएसजी डोवाल ने शनिवार को पेरिस में अपने फ्रांसीसी समकक्ष इमैनुअल बोन से मुलाकात की है और दोनों देशों के बीच वार्षिक रणनीति बातचीत में हिस्सा लिया गया है। इस दौरान फ्रांस ने अपने भारत को अत्याधुनिक सैन्य तकनीकी में मदद का भरोसा दिया है। इसके अलावा हिंद प्रशांत क्षेत्र में समुद्र रक्षा को मजबूत करने और रक्षा, अंतरिक्ष एवं सुरक्षा के क्षेत्रों में सहयोग को लेकर भी बातचीत हुई है। पेरिस में भारतीय दूतावास ने एक बयान जारी कर बताया है कि डोवाल और बोन ने वैश्विक और क्षेत्रीय हितों के कई मुद्दों पर चर्चा की है। बयान के मुताबिक फ्रांस ने हिंद प्रशांत क्षेत्र की सुरक्षा को लेकर इस रणनीतिक क्षेत्र में भारत के साथ एक मजबूत स्तंभ के रूप में साझेदारी की है। हम चलते हैं अगले अपडेट। तो दोस्तों जम्मू कश्मीर से बड़ी खबर, अक्टूबर में सुरक्षा बलों ने 20 आतंकी मारे, 12 जवान सहित 11 नागरिकों की हो चुकी हत्या। जम्मू कश्मीर में अक्टूबर में सुरक्षा बलों ने विभिन्न आतंकवाद विरोधी ऑपरेशनों में 20 आतंकियों को ढेर कर दिया है। कल भी ताबड़तोड़ ऑपरेशन में 2 आतंकी को ढेर कर दिया गया है। आपको बता दें कि अब तक 12 जवान जहां शहीद हुए हैं, वहीं 13 आम नागरिकों की भी जान गई है। इसमें से 11 आतंकियों ने हत्या की थी और अब 11 आतंकियों को मार दिया गया है। टोटल 20 आतंकियों को ढेर किया जा चुका है। इन नागरिकों में गलगागोट छत्तापाद अब्दुल रहमान गुरु समेत कई बड़े पैमाने पर नागरिक थे और हिंदुओं के साथ साथ इसमें मुस्लिम सिख सभी थे। लेकिन यहाँ पे सेना का जो है एक्शन व ताबड़तोड़ जारी है। हम चलते हैं अगले अपडेट। पहली बार सीमाओं की चुनौतियों का विश्लेषण करने के लिए आयोजित होगा 3 दिन का सेमिनार। दोस्तों भारत की सीमाओं पर उभरती चुनौतियों पर पहली बार 3 दिवसीय सेमिनार आयोजित होने जा रहा है। राष्ट्रीय सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए भारत अपनी सीमाओं पर विभिन्न प्रकार की उभरती चुनौतियों का विश्लेषण करने के मकसद से पहला राष्ट्रीय स्तर का सेमिनार 8 नवंबर से शुरू होने जा रहा है। सम्मेलन 8 से 10 नवंबर तक चलेगा। सीमा सुरक्षा बल BSF ने कहा है कि सेमिनार में मौजूद गतिशील परिदृश्य में व्यापक परिचालन योजना के साथ साथ मौजूद मजबूत राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए सुधार विश्लेषण किया जाएगा। इस कार्यक्रम में भारत तिब्बत सीमा पुलिस यानी ITBP, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल CRPF, सशस्त्र सीमा बल SSB, भारतीय तटरक्षक बल और विभिन्न राज्य पुलिस संगठनों के अधिकारी के साथ पूर्वी और पश्चिमी सिनेमाघरों के वरिष्ठ अधिकारी भाग लेंगे।
8 नवंबर को लेकर 10 नवंबर को समाप्त होने वाले इस कार्यक्रम का उद्देश्य बीएसएफ की परिचालन क्षमता को बढ़ाना होगा। अगली अपडेट, 200 आतंकवाद पर कसेगी नकेल, कश्मीर घाटी के बाहर पंजाब में भी ऑपरेशन को अंजाम देगा टेरर मॉनिटरिंग ग्रुप। दोस्तों, जम्मू कश्मीर में आतंकवाद पर नकेल कसने के लिए नवगठित टेरर मॉनिटरिंग ग्रुप अब आने वाले दिनों में ज़्यादा व्यापक दायरे में काम करेगा। आधिकारिक सूत्रों ने बताया है कि शनिवार कश्मीर घाटी में आगे जाकर पड़ोसी राज्य पंजाब में स्थानीय पुलिस के साथ संयुक्त रूप से मिलकर कार्रवाई करेगा। सुरक्षा बलों से जुड़े सूत्रों ने कहा है कि केंद्रीय जांच एजेंसियां और राज्य पुलिस की हालिया जांच में पाया गया है कि पाकिस्तान में बैठे आतंकी सरगना जम्मू कश्मीर में अपने नेटवर्क को मजबूत करने के लिए हथियार और फंड पंजाब की सीमा के रास्ते भेज रहे हैं। सूत्रों ने बताया है कि पाकिस्तान की इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस ISI खालिस्तान आंदोलन को पुनर्जीवित करने की कोशिश कर रही है। इसी को देखते हुए फिलहाल इस नवगठित संगठन टेरर मॉनिटरिंग ग्रुप पंजाब के भी कई इलाकों में ऑपरेशनों को अंजाम देगा। अगली अपडेट, भारत ने श्रीलंका को तत्काल पहुंचाया 100 टन नैनो लिक्विड यूरिया। आयात पर प्रतिबंध के कारण हो रही थी भारी किल्लत। दरअसल आपको बता दें, एक बड़ी खबर निकल के आ रही है जहाँ पे नैनो लिक्विड यूरिया की मांग देश के साथ साथ विदेशों में भी होने लगी है। भारत ने गुरुवार को वायुसेना के 2 जहाज़ों के जरिए श्रीलंका भेजा है, दरअसल जिसमें 100 टन नैनो लिक्विड यूरिया की सप्लाई की गई है। आपको बता दें कि इससे पहले चाइना के साथ श्रीलंका ने ये डील कैंसिल कर दी थी। खास करके चाइना के साथ श्रीलंका ने ये डील कैंसिल कर दी थी क्योंकि चाइना नकली, जी हाँ, चाइना बड़ी खबर निकल के आई जहाँ पे नकली यूरिया और खाद जो है श्रीलंका को सप्लाई कर रहा था, जिसके बाद ये एक्शन लिया गया है। बड़ी खबर निकल के आ रही है। इस बीच भारत ने तत्काल मदद पहुंचाई और मदद पहुंचाने के बाद 100 नैनो टन लिक्विड यूरिया के आयात पर प्रतिबंध के कारण तत्काल उन्हें दिया गया और ये अपने आप में श्रीलंका को बड़ी राहत है। हम चलते हैं अगले अपडेट, म्यांमार में रहना अब होगा और मुश्किल। अब तक 37,000 लोगों ने छोड़ दिया है अपना घर। दरअसल आपको बता दें कि संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुतरेस के एक प्रवक्ता ने कहा है कि म्यांमार ने उत्तरी पश्चिमी की बात करें तो महिलाओं एवं बच्चों समेत करीब 37,000 लोग विस्थापित हुए हैं और इनमें कई लोगों की जान चली गई है। इस बीच आपको बता दें कि कई मौजूदा लड़ाई लड़ने की भी आशंका के चलते अपना घर छोड़ रहे हैं। महासचिव की सहायक प्रवक्ता फ्लोरिसा सेंटोनेनो ने सोमवार को दैनिक संवाददाता सम्मेलन में कहा है कि म्यांमार में संयुक्त राष्ट्र की टीम उत्तरी पश्चिमी में देश की सेना और चीन राज्य के साथ साथ मैंगो और सांगिक क्षेत्रों में स्थानीय पॉपुलर डिफेंस फोर्सेस के बीच लड़ाई बढ़ जाने के बीच चिंतित है। तो दोस्तों, म्यांमार में लगातार पलायन हो रहा है। एक और अपडेट लेते हैं। पाकिस्तान में अश्लीलता की सारी हदें पार, इमरान खान के स्कूल के वॉशरूम में मिला छिपा कर लगाया गया कैमरा, महिलाओं की होती थी रिकॉर्डिंग। पाकिस्तान के एक स्कूल में अश्लीलता की सारी हदें पार हो गई हैं। इमरान के मुंह पे करारा तमाचा है। दरअसल कराची के एक प्राइवेट स्कूल के वॉशरूम में कई सारे छिपे हुए कैमरों का पता लगाया गया। इस घटना के बाद सिंध एजुकेशन डिपार्टमेंट ने स्कूल का रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया। स्थानीय मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक एजुकेशन डिपार्टमेंट ने स्कूल प्रशासन से इस मामले के में कारण बताओ नोटिस देने के भी कहा है। पाकिस्तान में पहले भी इस तरीके की घटनाएं निकल कर आ चुकी हैं। एजुकेशन डिपार्टमेंट द्वारा जारी एक आधिकारिक नोटिफिकेशन में कहा गया है कि CCTV कैमरों और पुरुषों के वॉशरूम और महिलाओं, शिक्षकों और छात्रों दोनों द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले कॉमन वॉशरूम में चोरी छिपे लगाए गए थे। डिपार्टमेंट के अधिकारियों ने इस बात की पुष्टि की है। छिपे हुए कैमरे के जरिए महिलाओं को रिकॉर्ड किया जा रहा था। उन्होंने आगे कहा है कि कई महिलाओं ने शौचालय में कैमरे होने की सूचना डिपार्टमेंट को दी थी। ये बड़ी खबर निकल के आ रही है। हम चलते हैं अगले अपडेट। परमाणु समझौते पर चर्चा से पहले ईरान ने 210 किलो बढ़ाया अपना यूरेनियम भंडार। आखिर क्या है इसका इरादा? ईरान की परमाणु एजेंसी ने शुक्रवार को कहा है कि उनका 20% संवर्धित यूरेनियम का भंडार 210 किलोग्राम 463 पाउंड से अधिक हो गया है। इस तरीके से पश्चिमी मुल्कों के साथ होने वाले परमाणु वार्ता से पहले ईरान ने एक बार फिर अपने तेवर बदल दिए हैं। आधिकारिक तस्नीम और फार्स समाचार एजेंसी द्वारा जारी की गई एक रिपोर्ट्स में प्रवक्ता बहरोज कमल वंडी ने कहा है कि परमाणु एजेंसियों ने सांसद द्वारा निर्धारित 20% समृद्ध यूरेनियम के लिए 120 किलोग्राम लक्ष्य से अधिक प्रोडक्शन किया है। ईरान और विश्व शक्तियों के बीच 2015 के ऐतिहासिक परमाणु समझौते के तहत ईरान को लगभग 4% से अधिक यूरेनियम का समृद्ध नहीं करना था।
तो ये बड़ी खबर निकल के आ रही है। हम चलते हैं अगले अपडेट। गुरुग्राम नमाज विवाद, आपत्ति मिलने पर अन्य स्थानों की अनुमति भी रद्द कर सकता है प्रशासन, जल्द हो सकता है बड़ा फैसला। गुरुग्राम में स्थानीय लोगों के विरोध के बाद निर्धारित 37 स्थानों में से 8 जगहों पर नमाज अदा करने की अनुमति वापस ली गई थी। अब जिला प्रशासन का कहना है कि अगर लोगों की आपत्तियां मिलती रही तो अन्य स्थानों पर भी नमाज अदा करने की अनुमति रद्द की जा सकती है। दरअसल SDM, ACP और दोनों समुदाय के सदस्यों के अलावा सिविल सोसाइटी के लोगों की एक समिति बनाई गई है ताकि इस मामले को सुलझाया जा सके। इसके साथ ही प्रशासन की ओर से मुस्लिम समुदाय के लोगों को आश्वासन दिया गया है। जिन लोगों को खुले में नमाज अदा करते समय परेशानी हो रही थी उन्हें सुरक्षा मुहैया कराई जाए। वहीं नेहरू युवा संगठन वेलफेयर सोसाइटी ट्रस्टेबल ट्रस्ट के प्रमुख वाजिद खान ने 90 स्थानों का सुझाव दिया जहां नमाज अदा की जा सकती है। वहीं गुरुग्राम के ACP अमन यादव ने कहा है कि समस्या का समाधान खोजा जा रहा है। हम चलते हैं अगले अपडेट। अमेरिकी सीक्रेट चुरा चुरा कर धनवान बना है चीन, पहली बार शी जिनपिंग के जासूस को मिली सजा। चीन की कंपनियों से लेकर चीन की सरकार पर लगातार जासूसी के आरोप लगते रहे हैं कि चीन की कंपनियों ने अमेरिका से इतने ज़्यादा टेक्नोलॉजी की चोरी की है कि वो टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में अमेरिका को टक्कर देने लगा। अमेरिका पहली बार एक चीनी जासूस को जासूसी के आरोप में दोषी ठहराया गया है। अमेरिका में एक चीनी जासूस को अमेरिकी विमान कंपनियों के व्यापारिक सीक्रेट चुराने के आरोप में दोषी ठहराया गया। अमेरिका के जस्टिस डिपार्टमेंट ने चीन के रक्षा मंत्रालय के एक जासूस को अमेरिकी विमानन और एयरोस्पेस कंपनियों से जुड़े कई व्यापारिक सीक्रेट को चुराने की साजिश रचने का दोषी ठहराया गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक मुकदमे के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रत्यर्पित किए गए पहले चीनी ऑपरेटिव यांग जून को ट्रेड सीक्रेट चोरी करने की साजिश रचने की कोई साजिशों के आलावा व्यापार की आड़ में कई तरीके से की गई। यानी कहीं ना कहीं अगर बात करें तो चाइना कई चीज़ें जो अमेरिका के चुराए थे, लेकिन अब एक्शन में अमेरिका ने सजा दी है। अगले अपडेट। भारत के निमंत्रण पर रशिया, ईरान और मध्य एशियाई देश होंगे शामिल। अफगान मुद्दे पे होगी बातचीत, पाकिस्तान पड़ा अलग थलग। अफगानिस्तान में तालिबान का शासन लागू होने के बाद विभिन्न देश इस मुद्दे पे चर्चाओं और मीटिंग्स का दौर जारी है। इसी के चलते अफगान मुद्दे पे अब जल्द ही भारत में भी मीटिंग होने जा रही है। अफगान मुद्दे पे 10 नवंबर को दिल्ली में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार NSG डोवाल की मीटिंग का आयोजन हो रहा है। NSC की मीटिंग भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवाल की अध्यक्षता में होगी। इस मीटिंग में हिस्सा लेने के लिए भारत ने रूस, ईरान, मध्य एशियाई देशों को निमंत्रण भेजा था और इन सभी देशों ने NSA की इस मीटिंग में शामिल होने की बात कही है। हालांकि पाकिस्तान को भी निमंत्रण गया था, लेकिन पाकिस्तान ने इस निमंत्रण को अस्वीकार कर लिया। लेकिन अब पाकिस्तान अस्वीकार करके खुद ही अलग थलग हो गया है। हम चलते हैं अगले अपडेट। एलन मस्क की कंपनी भारत में एंट्री को तैयार, बड़ी खबर, देगी इंटरनेट की सेवाएं। दोस्तों, दुनिया के सबसे अमीर शख्स और स्पेस एक्स के मालिक एलन मस्क जल्द ही भारत में इंटरनेट सेवा प्रदाता क्षेत्र में धमाकेदार एंट्री कर सकते हैं। एक रिपोर्ट्स के मुताबिक एलन मस्क ने अपनी स्टारलिंक सेवा भारत में शुरू करने की तैयारी कर ली है। इसके साथ ही इसके लिए कंपनी पार्टनर की तलाश भी की जा रही है। एलन मस्क भारत में स्टारलिंक सेवा प्रदान करने के लिए कंपनी पार्टनर के तौर पर जिन भारतीय कंपनियों पर नज़र बनाए हैं उनमें रिलायंस जियो, वोडाफोन आइडिया, भारत नेट और रेटेन शामिल है। मास्क की अगुवाई वाली एयर स्पेस की सेटेलाइट ब्रॉडबैंड कंपनी स्टारलिंक ग्रामीण क्षेत्रों पर ब्रॉडबैंड सर्विसेज पर फोकस बढ़ाएगी। हम चलते हैं अपडेट। US कांग्रेस ने लगभग $1.5 million के इंफ्रास्ट्रक्चर बिल को किया पास, जो बाइडेन को मिली बड़ी जीत। आखिर इतने पैसों का क्या होगा? दोस्तों, अमेरिकी कांग्रेस ने $1.5 trillion का द्विदलीय इंफ्रास्ट्रक्चर बिल पास कर दिया। इसी तरीके से राष्ट्रपति जो बाइडेन को बड़ी जीत मिली। इस ऐतिहासिक बिल को पास करने के लिए ये राह देख रहे थे। लगभग $1.5 trillion के परिवहन और ब्रॉडबैंड इंटरनेट अपग्रेड बिल के लिए एक दर्जन से अधिक रिपब्लिकन सांसदों ने समर्थन किया है। माना जा रहा है कि अमेरिका को स्वास्थ्य देखभाल, बच्चों की परवरिश, घर पर बुजुर्गों की देखभाल के लिए सहायता प्रदान करेगा। हम चलते हैं अगले अपडेट। दोस्तों, परिवार सहित मुकेश अंबानी के लंदन बसने की खबर का रिलायंस ने किया खंडन, बताया आधारहीन। दोस्तों, देश के सबसे अमीर व्यक्तियों में शुमार और रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड रिलायंस के चेयरमैन मुकेश अंबानी के परिवार सहित लंदन में बसने की खबरों का कंपनी ने खंडन किया। दरअसल RIL ने इसे लेकर एक बयान जारी किया और इसे पूरी तरीके से आधारहीन बताया है। कंपनी ने अपने बयान में
कहा है कि एक अखबार में हाल ही में आई एक रिपोर्ट्स के कारण सोशल मीडिया पर अनुचित और निराधार अटकलें लगाई जा रही हैं। इस अंबानी परिवार को लंदन के स्ट्रोक पार्क में आंशिक रूप से रहने की योजना की बात कही जा रही थी। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड स्पष्ट करना चाहता है कि चेयरमैन कभी भी कहीं भी लंदन में नहीं रहने वाले हैं, भारत में ही रहेंगे। हम चलते हैं अगले अपडेट और आइए। सीएम योगी गर्जे बोले, राष्ट्र तोड़कर जिन्ना को सरदार पटेल के समकक्ष रखने वालों से बचना हमें पड़ेगा। दोस्तों, यूपी में 22 में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर प्रदेश के हर जिले तक पहुंचने के लिए कम से कम सीएम योगी आदित्यनाथ शनिवार को समाजवादी पार्टी के गढ़ हरैया तथा इटावा के दौरे पर हैं। औरैया में उन्होंने राजकीय मेडिकल कॉलेज तथा विकास की अन्य परियोजनाओं का शिलान्यास तथा लोकार्पण किया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसके बाद जनसभा को संबोधित किया और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के सरदार पटेल तथा जिन्ना की तुलना करने पर उनके ऊपर जोरदार तंज कसा। उन्होंने कहा है कि सरदार पटेल देश को जोड़ने वाले हैं, जिन्ना देश को तोड़ने वाले हैं। दोनों समकक्ष नहीं हो सकते हैं। सरदार पटेल राष्ट्र के नायक हैं, लेकिन जिन्ना भारत की एकता को खंडित करने वाले हैं। जो लोग ये तुलना करने वाले हैं, हम सभी को उनके प्रति सतर्क रहना होगा। अगले अपडेट, एक और बड़ी खबर निकल के आ रही है दोस्तों। तालिबान पाकिस्तान के साठगांठ का खुलासा, इस्लामाबाद में फिर से खोला गया अफगानी दूतावास। दोस्तों, तालिबान ने शुक्रवार को पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में स्थित अफगानिस्तान के दूतावास में अपना कार्य शुरू कर दिया। टोलो न्यूज़ की रिपोर्ट्स के मुताबिक दूतावास ने अपने फेसबुक पेज पर एक बयान में ऑपरेशन फिर से शुरू करने की पुष्टि कर दी है और इस तरीके के बयान पाकिस्तान और तालिबान की साठगांठ का खुलासा हुआ है। पाकिस्तान पर लंबे समय से आरोप लगते रहे हैं कि उनकी मदद से ही तालिबान एक बार फिर से अफगानिस्तान में वापसी हुई है। इस बात इसलिए भी सही लगती है क्योंकि तालिबान की सरकार गठन से पहले आईएसआई चीफ काबुल का दौरा भी कर चुके हैं। हम चलते हैं, एक और अपडेट लेते हैं दोस्तों। एनसीबी की दिल्ली टीम ने शुरू की आर्यन खान ड्रग्स मामले की जाँच, समीर वानखेड़े भी करेंगे मदद। बड़ी खबर, दरअसल आर्यन खान ड्रग्स मामले की जांच नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की केंद्रीय टीम कर रही है। एनसीबी के उप महानिदेशक संजय सिंह के नेतृत्व में नवगठित विशेष जांच दल ने शनिवार को आर्यन खान सहित 6 मामलों की जांच शुरू कर दी है। संजय सिंह 1996 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं। वो उन पर सभी मामलों की जाँच का जिम्मा संभाल रहे हैं जो पहले क्षेत्रीय निदेशक समीर वानखेड़े के नेतृत्व में थे। संजय कुमार का कहना है कि हमने 6 सालों में 6 मामलों में अपने हाथ ले लिए हैं और इन पे मुंबई के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े की सहायता भी वो लेंगे। अगली अपडेट लेते हैं दोस्तों। महाराष्ट्र के अनिल देशमुख को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजा गया। ईडी ने मांगी थी कस्टडी। जी हां, दरअसल आपको बता दें कि महाराष्ट्र के पूर्व गृहमंत्री अनिल देशमुख को आज स्पेशल PML कोर्ट में पेश किया गया और जहां से उन्हें 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। हालांकि ईडी ने कस्टडी की मांग की थी। अनिल देशमुख को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने गिरफ्तार किया था, जिसके बाद 6 नवंबर तक देशमुख को ईडी की कस्टडी में भेजा गया था। ये बड़ी खबर निकल के आ रही है और अब ये निकल के आ रही है कि देशमुख के बाद उनके बेटे पर भी शिकंजा कसा जाएगा। अगले अपडेट लेते हैं तो दोस्तों, सदस्यता अभियान के जरिए हर घर दस्तक दे रही भाजपा सरकार, विकास योजनाओं के जरिए पूरा कर रही घोषणा पत्र। दरअसल प्रधानमंत्री मोदी और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा यूपी के दौरे पर, अब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी आ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी त्यौहार बीतने के बाद यूपी में चुनावी अभियान तेज कर रही है। इसके साथ ही अमित शाह का प्रदेश में कार्यक्रमों का दौर भी तेज है। इसी के साथ भारतीय जनता पार्टी कार्यक्रमों के साथ साथ कई कार्यक्रमों की झड़ी लगी है। सबसे बड़ी बात यह है कि पार्टी के कामों को पार्टी कार्यकर्ता जो घर घर तक ले जाएंगे और सदस्यता अभियान घर घर दस्तक देगी। हर अपना परिवार, भाजपा परिवार जो है उसका बोर्ड जो है वो हर घर पे लगेगा। इस तरीके की तैयारी जो है भारतीय जनता पार्टी कर रही है, यानी हमेशा सत्ता में बने रहने की तैयारी भारतीय जनता पार्टी ने तेज कर दिया है। हम चलते हैं अगले अपडेट। नीतीश, बिहार में जो मौतें हुई थी दोस्तों शराब पीने की वजह से, नीतीश कुमार ने उठाया बड़ा कदम। 50 जगहों पे ताबड़तोड़ छापेमारी, 19 गिरफ्तारियां हुई हैं। स्प्रिट से तैयार किया गया था जहरीला शराब। दोस्तों, बिहार के गोपालगंज और पश्चिमी चंपारण पिछले 2 दिनों से जहरीली शराब पीने से 24 लोगों की मौत हो गई थी। ये घटनाएं बिहार में शराबबंदी के दावों को पोल खोली। पिछले 15 दिनों में बिहार में 40 लोगों की मौत हुई।
वहीं इन घटनाओं के बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सख्ती दिखाते हुए दोषियों पर कार्रवाई करने का आदेश दिया। नीतीश कुमार ने शुक्रवार को जहरीली शराब से हो रही मौतों को लेकर हाई लेवल मीटिंग बुलाई। नीतीश कुमार ने संबंधित अधिकारियों को हाल ही में हुई जहरीली शराब की घटनाओं संबंध सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए। साथ ही उन्होंने अधिकारियों को दोषी अधिकारियों की पहचान करके उनके खिलाफ कार्रवाई करने के भी आदेश दे दिए हैं। हम चलते हैं अगले अपडेट लेते हैं। पंजाब विधानसभा में गांधी परिवार के खिलाफ प्रस्ताव लाने की तैयारी, सुख बादल ने किया ऐलान। शिरोमणि अकाली दल के प्रमुख सुखबीर बादल चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी की पंजाब में मुसीबतें बढ़ा दिए हैं। पंजाब विधानसभा के विशेष सत्र में गांधी परिवार के खिलाफ एक प्रस्ताव लेकर आएंगे। बादल ने आरोप लगाया है कि गांधी परिवार के इशारे पर 1984 के सिख दंगों को अंजाम दिया गया। साथ ही जगदीश टाइटलर और कांग्रेस नेताओं का तत्काल गिरफ्तार करने की भी मांग उन्होंने उठा दी है। तो दोस्तों, इस तरीके से 22 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी को पलीता लगता दिखाई दे रहा है। और उधर नवजोत सिंह